दोस्तों सऊदी अरब का एक ऐसा शहजादा जो पिछले 17 सालों से नींद पूरी कर रहा है और दुनिया ने स्लीपिंग प्रिंस के नाम से भी जानती है। इनका पूरा नाम अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद है और ये सऊदी के शाही खानदान का हिस्सा भी हैं। दरअसल 2005 में इनका लंदन में एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चले गए थे और 10 साल इन्होंने रियाद के एक हॉस्पिटल में गुजारे थे और इसके बाद इन्हें अपने महल में शिफ्ट कर दिया गया। नाजरीन, कुछ दिन पहले इनके बारे में ये खबर आई थी कि ये शहजादा वफात पा गया है, मगर बाद में इस खबर को फेक साबित किया गया क्योंकि शहजादा अब भी कोमा में है। दोस्तों, आप भी इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इन्हें जल्द सेहतियाब करे।